यार सब गाइस हम फिर से खेलने वाले हैं अपनी माइनक्राफ्ट सर्वर सीरीज का पार्ट 9 है शायद क्या 8, कोई बात नहीं। हाँ ये मैंने, हाँ चलो अंदर, हाँ बंद करो। ये सीढ़ियाँ मैं बदल दूँगी, यहाँ से आने में प्रॉब्लम। मेरे पास 3 डायमंड्स हैं, मुझे एक ट्रिक पता है जिससे हम डायमंड्स को डुप्लीकेट कर सकते हैं, पर कभी कभी वो डुप्लीकेट होने की जगह गायब भी हो जाते हैं। देखो अभी मैं मेरे डायमंड इस वाले चेस्ट में रखूँगा और डायरेक्टली गेम को क्रिएट कर दूँगा। अब मैं गेम से पूरी तरह से बाहर निकल चुका हूँ। मैं मेरे सर्वाइवल वर्ल्ड में मल्टीप्लेयर खेलना चाहता हूँ। आप में से अगर कोई मेरे साथ खेलना चाहता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक मैं ज्वाइन हो गया, फिर से देखता हूँ डुप्लीकेट हुए कि नहीं। अरे नहीं हुए, चलो कोई बात नहीं। 3 डायमंड के मैं अभी क्या बना सकता हूँ? हाँ मैं पिकैक्स या एक्स बना सकता हूँ, पर कोई बात नहीं, चलो एक एक्स ही बना लेता हूँ। सबसे पहले नीचे उतरो, नहीं ऊपर ही रखो। यहाँ से थोड़ी सी लकड़ियाँ, ये प्लैंक्स हैं, चलो लकड़ियों की क्या ज़रूरत। जल्दी से एक ये बनाओ, अब एक बनाओ इसकी एक्स। अब इसको एंचेंट भी करना है। चलो अब ये स्टिक्स को मैं वापस रख देता हूँ। मेरे पास HP भी 14 है, जल्दी से मैं थोड़ी सी HP लेके आता हूँ। इसको बंद करो। अरे मैं बहुत देर से जानवरों को मार रहा हूँ और मैं बहुत सारे, लगभग जितने मुझे HP चाहिए उतने मैंने लगा दिए। और इस मीट को वापस ले लो। अरे ये दरवाज़ा बंद हो जा। हाँ पहले एंचेंट कर लेता हूँ। हाँ ये कि इसकी ज़रूरत नहीं है। अरे कुछ अच्छे लूटिंग या शार्पनेस कैसे बुक नहीं है? शार्पनेस 3, हाँ ये अच्छी बुक है। और इसमें फॉर्चून है, ये फॉर्चून भी रख लेता हूँ। और इसमें स्माइट है, इसमें लॉर्ड स्माइट रख ली। नहीं स्माइट, अगर मैं शार्पनेस 3 लगाऊँगा तो स्माइट कैसे लगेगी? तो इसमें एनविल में लगाना होता है, ये लगाए मैंने फॉर्चून 3। इसके बाद शार्पनेस 3, ये बन गई खतरनाक एक्स। अरे बारिश भी है ना, बंद होने का नाम नहीं लेती। मेरे वर्ल्ड में हमेशा बारिश ही होती रहती है। तो हाँ यहाँ से अभी मैं क्या करूँ समझ नहीं, पहले सो जाता हूँ, रात भी हो गई है। ये गुड मॉर्निंग। अब मैं सारे टूल्स में जो ज़रूरी टूल्स हैं वो मेरे पास रख देता हूँ। मेरे पास और एक सैडल है, जैसे मैं डायमंड डुप्लीकेट करने वाला था ना, वैसे मैंने सैडल भी डुप्लीकेट किया था एक बार। तो सैडल तो डुप्लीकेट हो गया, पर ये क्यों नहीं हो? अभी मेरे पास वीट तो बहुत सारे है, जल्दी से मैं हेबेल्स बनाता हूँ इनके। जितने हेबेल्स, अरे ब्रेड नहीं, हेबेल्स इसमें नहीं, इसमें भी नहीं। हाँ 12 हेबेल्स मुझे और थोड़े चाहिए, मेरे फार्म कब काम आएगा। चलो फार्म से लाते हैं। चलो नीचे चल के पहले तो ये सारे हेबेल्स मैं लगा देता हूँ। किस तरफ लगाऊँ? शायद मैं घर के पीछे लगा सकता हूँ। यहाँ पर मैंने अभी तक तो कुछ बनाया भी नहीं है, यहाँ पर मैं हेबेल्स लगा सकता हूँ। मैं हेबेल्स ऐसे में लगाता हूँ, 4-4 में हो जा। हाँ ठीक, ये भी दो यहाँ, फिर एक यहाँ, फिर दूसरा यहाँ। चल नहीं, इसको भी काट लेता हूँ यहाँ से। अरे अरे कहाँ, हाँ और इसको यहाँ, अब अच्छा लग रहा है। अब मैं क्या करूँ, पहले शुगर के फार्म भी बड़ा हो गया है, इसको भी जल्दी से काट लेता हूँ। हाँ चल, और ये भी काटा, पानी में भी थोड़ी सी गिर गई, 20 काफ़ी हैं। चल हाँ हाँ, अरे हाँ मेरा ये वाला फार्म भी अभी तक ठीक से उगा नहीं है, तो मैं इसको काट भी नहीं सकता।
अभी क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। नहीं काटता, चलो बाद में काटूँगा। अरे मेरे चंपू चंपू, चलो चलते हैं। इसका नाम तो मैंने अभी लिखा नहीं है, पर अभी तो मैं इसे चंपू ही बुलाता हूँ। अरे हाँ चलो, क्या सुनती मेरे पास डायमंड। अरे वहाँ पर ये हैं पम्पकिन, शायद यहाँ पर कोई विलेज है। मैं विलेज के काफ़ी ज़्यादा करीब हूँ। अरे सबसे पहले इस चंपू को मैं यहाँ बांध देता हूँ। रुक जा चंपू, हाँ और यहाँ पर बांधो। चलो दरवाजे बंद कर लेता हूँ, ज़ॉम्बी एम्बी आ गया तो। सबसे ज़्यादा डर माइनक्राफ्ट में सिर्फ एक ही मॉब का लगता है, वो है क्रीपर। या अंडा और ये भी यहाँ रखो, ये भी यहाँ यहाँ। अब क्या करूँ, ऊपर चल नहीं, बालकनी में चलता हूँ, देखता हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली दासु वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप मेरे घोड़े का नाम कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं घोड़े का नाम क्या रखूँ।